हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों 2020 का साल किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए कुछ ज़्यादा खास साबित नहीं हुआ है, लेकिन टाटा मोटर्स एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने इस साल नई बुलंदी को छुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2020 में भारत की मोस्ट सेलिंग 15 SUVs के बारे में। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 15 गाड़ियों के बारे में, उन 15 SUVs के बारे में जो दिसंबर के महीने में सबसे ज़्यादा बिके हैं भारत में। तो दोस्तों 15 पोजीशन पे आई है फोर्ड की इको स्पोर्ट, जिसने पूरे भारत में 934 यूनिट्स बिकी है, 934 यूनिट्स पूरे भारत में उन्होंने बेची है। इस गाड़ी की प्राइसिंग अगर बात करें तो ये एक्सशोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से 7.99 लाख रुपए से शुरू होकर 11.50 लाख रुपए तक मिल जाती है। काफ़ी अच्छी गाड़ी होने के बावजूद भी ये गाड़ी काफ़ी कम बिकती है। कम बिकने का कारण सबसे ज़्यादा ये है कि लोगों के दिमाग में थोड़े से मिथ्स है फोर्ड की सर्विस को लेके, और दूसरा ये कि इस गाड़ी में कोई चेंजेस नहीं किया गया है, बड़े लंबे समय से इस गाड़ी में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, और इसके कंपटीशन में काफ़ी जो अदर गाड़ियाँ हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करें 14th पोजीशन पर, तो 14th पोजीशन पर आई है मारुति की एस क्रॉस। दिसंबर के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 1185 यूनिट्स बिकी हैं। अगर प्राइसिंग की बात करें तो एक्सशोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से ये गाड़ी 8.39 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 12.39 लाख रुपीज़ तक मिल जाती है। मारुति की गाड़ी होने के बावजूद भी ये गाड़ी थोड़ी कम बिकती है, और उसके पीछे का जो कारण है वो है इस गाड़ी का प्राइसिंग। तो दोस्तों ये गाड़ी लगभग 1 लाख रुपए महंगी आती है अगर आप कंपेयर करें सेम कंपनी के विटारा ब्रेजा से, तो इस वजह से ये गाड़ी थोड़ी कम बिकती है। दोस्तों 13th पोजीशन पे आई है टोयोटा की अर्बन क्रूज़र, इसकी दिसंबर के महीने में पूरे भारत में 1762 यूनिट्स बिकी हैं, और प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो गाड़ी का प्राइसिंग 8,40,000 रुपये से शुरू होकर 11,30,000 रुपये रहता है एक्सशोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से। दोस्तों ये गाड़ी एक तरीके से विटारा ब्रेजा ही है, विटारा ब्रेजा का मॉडिफाइड वर्जन आप इसको कह सकते हैं जो टोयोटा की ब्रांडिंग के साथ सेल हो रहा है। उसके बाद 12th नंबर पे आई है टाटा की हैरियर, जिसकी पूरे भारत में 2223 यूनिट्स बिके हैं, और प्राइसिंग की गाड़ी अगर हम बात करें तो इस गाड़ी का जो प्राइसिंग है एक्सशोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से 13.84 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 20.30 लाख रुपीज़ तक मिल जाती है। दोस्तों टाटा की गाड़ियाँ टॉप 10 लिस्ट में या टॉप 15 लिस्ट में कभी नहीं रहती, लेकिन टाटा हैरियर और टाटा नेक्सॉन के लॉन्च होने के बाद ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है, क्योंकि अब लोग समझने लगे हैं कि टाटा की गाड़ियाँ भी सेफ एंड सुरक्षित है और गाड़ी रिलायबल भी हैं। उसके बाद 11th पोजीशन की अगर हम बात करें तो 11th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की थार, जिसकी पूरे भारत में दिसंबर के महीने में 2670 यूनिट्स बिकी हैं। इस गाड़ी के प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो एक्सशोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से 11,90,000 रुपये से शुरू होकर 13,75,000 रुपये की मिल जाती है। दोस्तों 10th पोजीशन की अगर हम बात करें तो 10th पोजीशन पे एक इंडियन कार ही आई है, महिंद्रा स्कॉर्पियो, इसकी पूरे भारत में 3,417 यूनिट्स बिकी हैं। इसका एक्सशोरूम प्राइस की अगर हम बात करें न्यू दिल्ली के हिसाब से तो 12,42,000 रुपये से शुरू होकर 16,27,000 रुपये तक ये आपको मिल जाती है। दोस्तों 9th पोजीशन की अगर हम बात करें तो 9th पोजीशन पर आई है मॉरिस के राज्य की हेक्टर, इसकी पूरे भारत में 3,430 यूनिट्स बिकी हैं। प्राइसिंग की अगर हम बात करें एक्सशोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से 12,89,000 रुपये शुरू हो गए 18,35,000 रुपये तक ये गाड़ी मिल जाती है। दोस्तों हम लोग बॉयकॉट करते हैं चाइनीज़ ब्रांड्स को, फेसबुक पे ट्विटर पे ट्रेंडिंग चलता है बॉयकॉट चाइना, लेकिन बाद में फिर जब समय बाद फिर हम अपने पे आ जाते हैं और चाइनीज़ ब्रांड को परचेज़ करना शुरू कर देते हैं, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग इंडियन कार्स को ना परचेज़ करके MG हेक्टर जो कि एक चाइनीज़ ब्रांड है वो 9th नंबर पर आया, और इंडियन ब्रांड्स जैसे कि स्कॉर्पियो थार और आपकी टाटा हैरियर जैसी गाड़ियों को 10th और 11th की पोजीशन मिली है। उसके बाद बात करते हैं 8th पोजीशन की, तो 8th पोजीशन पे भी आए अपना ही एक इंडियन ब्रांड XUV300। तो गाइस पूरे भारत में इस गाड़ी के दिसंबर के महीने में 3,974 यूनिट्स बिकी हैं। प्राइसिंग की अगर हम बात करें एक्सशोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से 7.94 लाख रुपए से शुरू होकर 12.29 लाख रुपए तक मिल जाती है। उसके बाद अगली पोजीशन भी एक महिंद्रा की ही गाड़ी है जिसको बोलते हैं हम बोलेरो, तो महिंद्रा बोलेरो आई है 7th पोजीशन भी, जिसकी जो पूरे भारत में दिसंबर के महीने 5,053 यूनिट बिकी हैं, और एक्सशोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है वो 7.64 लाख रुपए से शुरू होकर 9.01 लाख रुपए तक जाती है। उसके बाद 6th पोजीशन पे हम बात करें तो किया की सेल्टस आई है। दोस्तों किया सेल्टोस जब से भारत में लॉन्च हुई थी उसने इंडियन मार्केट में तबाही मचा रखी थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि किया सेल्टोस 6th पोजीशन पे आई है। दोस्तों पिछले महीने की अगर हम बात करें नवंबर 2020 में, तो इस गाड़ी की 4th पोजीशन पे थी, और इसके जो सेल्स फिगर थे वो 9,205 थे, जो कि अब दो स्टेप प्रोडक्ट के 6th पोजीशन पे आ गई है। और दोस्तों ये सब हुआ है हुंडई क्रेटा के लॉन्च होने की वजह से, आधे कस्टमर्स हुंडई क्रेटा की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। तो दोस्तों पिछले महीने की अगर हम बात करें तो किया सेल्टोस का जो सेल्स फिगर था वो 4th पोजीशन पे रही थी और 9,205 यूनिट्स उसने सेल की थी। फिर बात करते हैं 5th पोजीशन पे, तो 5th पोजीशन पे किया की ही गाड़ी आई है किया सोनेट, जिसने इंडियन मार्केट में काफ़ी अच्छी पकड़ बनाई रखी है, और सेल्स फिगर की अगर हम बात करें तो 5,959 यूनिट्स इसकी पूरे भारत में बिकी है दिसंबर 2020 के महीने में, और इसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो एक्सशोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से 6.79 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 6.79 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 13.19 लाख रुपीज़ तक ये गाड़ी मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों बात करें 4th पोजीशन की, तो 4th पोजीशन पर जो गाड़ी आई है उसका नाम है टाटा नेक्सॉन,
पूरे भारत में दिसंबर 2020 के महीने में टोटल इन्होंने 6,835 गाड़ियां बेची हैं। और दोस्तों अगर पिछले महीने की अगर हम बात करें तो पिछले महीने में ये गाड़ी 7th पोजीशन पे थी, जिसने इम्प्रूव किया है 3 पोजीशन और 4th पोजीशन पे आ गई है। पिछले महीने इसकी 6,021 यूनिट बिकी थी, 6021 यूनिट सेल हुई थी, लेकिन इस महीने इन्होंने इम्प्रूव करके 6,835 यूनिट बेच पाए हैं। दोस्तों आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि जब से टाटा नेक्सॉन लॉन्च हुई आज तक कभी भी 4th पोजीशन पे नहीं आई है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ये गाड़ी 4th पोजीशन पे आई है जब से लॉन्च हुई है। तो दोस्तों टाटा ने भी अपना लोहा मनवाया है और लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा है, और वो भी सेफ गाड़ियों को प्रमोट कर रहे हैं और सेफ गाड़ियों की तरफ थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। तो अभी टाटा नेक्सॉन का सेल्स फिगर इंक्रीज होने का एक कारण ये भी है कि गाड़ी काफ़ी अच्छी और फ्यूचर लोडेड है, और दूसरी बात की गाड़ी सेफ भी है और 5 out of 5 स्टार इसने स्कोर की है एनकैप में, तो इसीलिए ये गाड़ी थोड़ी ज़्यादा बिकने लगी है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड पोजीशन की, तो थर्ड पोजीशन पे आई है हुंडई की क्रेटा, जिसकी पूरे भारत में दिसंबर 2020 के महीने में 10,592 यूनिट बिकी है। और दोस्तों प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी का प्राइसिंग एक्सशोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से 9.81 लाख रुपये से शुरू होकर 17.31 लाख रुपीज़ तक आपको मिल जाती है। उसके बाद बात करें सेकंड पोजीशन की, तो सेकंड पोजीशन पे भी आपकी टॉप सेलिंग कार विटारा ब्रेज़ा आई है, जिसने पूरे भारत में दिसंबर के महीने में 12,251 यूनिट्स बेची हैं। और दोस्तों प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो 7.34 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 11.42 लाख रुपीज़ तक मिल जाती है एक्सशोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से। दोस्तों ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में आती है, इसमें कोई भी आपको डीजल का विकल्प नहीं मिलता है। पहले डीजल का विकल्प भी था, लेकिन अब आपको इस गाड़ी में सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट ही देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें दोस्तों नंबर वन पे, तो फर्स्ट पोजीशन पे जो गाड़ी आई है उसका नाम है हुंडई वेन्यू, पूरे भारत में 12,313 यूनिट्स इस गाड़ी की बिकी है। तो दोस्तों प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो एक्सशोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से 6.75 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 11.65 लाख रुपीज़ की आपको मिल जाती है। तो दोस्तों ये थी भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली 15 SUVs जो दिसंबर के महीने में सबसे ज़्यादा बिकी हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।